नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा खुलासा किया गया। पहली बार नक्सलियों के पास से मिले नोट छापने के उपकरण, जहां 50, 100, 200, 500 के नकली नोटों के सैंपल मिले हैं। सुकमा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां फंड की कमी से जूझ रहे नक्सली कर रहे नकली नोट का इस्तेमाल। कोराजगुड़ा के जंगलों से बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है, जहां नकली नोट छापे जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ये सैंपल बरामद किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे 500, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 और 500 रुपए के नोट सैंपल के रूप में यहां से मिले हैं। नोट छापने की यहां पर जो सामग्री है वो भी बरामद की गई है। और जिस तरीके से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे नक्सली, उसके बाद उन्होंने नोट छापने का ये नया तरीका निकाला है, और जंगल से बड़ी जो सामग्री है नोट छापने वाली उसे बरामद किया गया है। तो सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पहली बार नक्सलियों के पास से नोट छापने के उपकरण मिले हैं। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, ये वाकई में हैरान करने वाला है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे नक्सली अब नकली नोट छापने लगे थे। जी आपको बता दूं कि ऐसा बचपन में पहली बार हुआ है कि नकलियों के ठिकानों से जो है नकली नोट छापने की मुसीबत बरामद हुई है। आज ही सुकमा पुलिस ने खुलासा किया है। सुकमा पुलिस ने जानकारी दी है कि लगातार जो नकली नोट ऑपरेशन कर रहे थे, इसी ऑपरेशन में एक सूचना मिली थी कि मुंगेली थाना के जो कोराजगुड़ा इलाका है, वहां पर नकलियों की एक मौजूदगी है। इसके बाद जो है सीआरपीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर टीम को भेजा गया। जब टीम वहां पहुंची, वहां पर दबी की बदल थी, हालांकि मौके से भाग गए, लेकिन जो बरामद हुए उसमें सबसे बड़ी जो बरामद आई है वो कलर पेंट मशीन है, और साथ ही जो नकली छोट नापने की मशीन बरामद हुई है, वो सैंपल बरामद हुए हैं, जिसमें 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट है। उनके सैंपल भी मौके से बरामद हुए, भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद हुई है। और आज जो है एसपी टेंटवान ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि नक्सल संगठन आर्थिक मंदी से भी जूझ रहा है। लगातार सभी नेटवर्क पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके चलते जो है आर्थिक संकट उनके सामने, नक्सलियों के सामने आया है। यही एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है नक्सली नोट छापने से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास नक्सली कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। और खबर मेरठ से, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा अपडेट आया है। जहानवर ढेबर को जेल भेज दिया गया है। पूर्व आबकारी सचिव अरुण पति त्रिपाठी को जेल भेजा गया। 10 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में किया था पेश। रिमांड के लिए 1 जुलाई को होगी सुनवाई। नकली होलोग्राम टेंडर मामले में नोएडा के विदु गुप्ता की कंपनी के साथ फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है। तो मेरठ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा अपडेट मिला है। अनवर ढेबर को भेजा गया जेल। पूर्व आबकारी सचिव अरुण पति त्रिपाठी को जेल भेजा गया है। 10 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया। यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में किया था पेश, जहां रिमांड के लिए 1 जुलाई को होगी सुनवाई। बड़ी खबर है, जहां पूर्व आबकारी सचिव जेल भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहानवर ढेबर को जेल भेज दिया गया है। तो 10 दिन के न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में पेश किया था। रिमांड के लिए 1 जुलाई को होगी सुनवाई। नकली होलोग्राम टेंडर मामले में नोएडा की विधु गुप्ता की कंपनी के साथ फर्जीवाड़े का मामला है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, शराब घोटाले में बड़ा अपडेट है, अनवर ढेबर को जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में नकली होलोग्राम मामले में अनवर ढेबर को यूपी एसटीएफ की टीम ने रायपुर से गिरफ्तार किया था, और इसके बाद जो है उनको मेरठ कोर्ट में जो है फ्राइडे को पेश किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जो है हिरासत की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वो 1 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे, और इसके बाद एक बार फिर उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले यूपी एसटीएफ की टीम जो है राजधानी रायपुर में ही अनवर ढेबर को सेंट्रल जेल में गिरफ्तार की थी, और इस दौरान
अनवर ढेबर के परिजनों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई थी। उसी दौरान अनवर ढेबर के परिजनों ने सेंट्रल जेल में ही एम्बुलेंस को बुला लिया था और इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच एसटीएफ की टीम ने जो है उन्हें बाहर निकाला था और इसके बाद उन्हें सिविल लाइन थाने जो है वो लेकर गए थे और इसके बाद ही उन्हें मेरठ कोर्ट में जो है वो पेश करना था। लेकिन दूसरे दिन जो है अनवर ढेबर को राजधानी रायपुर के न्यायालय में पेश किया गया और इसके बाद 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें मेरठ कोर्ट में जो है पेश किया गया। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ मेरठ से निखिल अग्रवाल जुड़ गए हैं। निखिल, यूपीएसटी अपने मेरठ कोर्ट में पेश किया था, रिमांड के लिए 1 जुलाई को सुनवाई भी होनी है और जब पेश किया गया तब इस दौरान क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और दूसरी बात यह है कि अरुण पति त्रिपाठी वो भी पूर्व सचिव रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था और यूपीएससी ने जब मेरठ कोर्ट में पेश किया तो कड़ी सुरक्षा का इंतजाम वहां पर किया गया था। उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए, जिसके बाद उन्हें मेरठ के 14 जयंत सिंह जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से कटी है मुराते उन दोनों की, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है उस तरीके जीवन जीने की, क्योंकि हो सकता है कि रायपुर में कोई सुविधा मिली हो लेकिन मेरठ के 14 जयंत सिंह जिला कारागार में उन्हें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली, आम कैदियों की तरह से ही रखा गया। और वहीं मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को वो तारीख फिक्स की गई है जब यूपीएससी अपने उनसे पूछताछ के लिए रिमांड मांगा है और इस रिमांड के मामले पर सुनवाई 1 जुलाई को होगी, यानी अगली तारीख 1 जुलाई है जब मेरठ कोर्ट में सुनवाई होगी और वह कोर्ट फैसला करेगी क्या उनका रिमांड दिया जाए। अगर रिमांड मिल जाता है तो माना जाता है कि शराब घोटाले से जुड़ी कई और परतें सामने आ सकेंगे, क्योंकि यूपीएससी अब सख्ती से पूछताछ करने के मूड में है और कई ऐसे सवाल है जो यूपीएससी अपने लिस्ट किया है और उनको वो उनसे पूछेगी ताकि इस पूरे कांड का पर्दाफाश हो सके। मैं आपको बता दूं कि नोएडा के विधु गुप्ता की कंपनी के साथ एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है जिसमें उसे हॉलमार्क बनाने का एक टेंडर फर्जी तरीके से दिया गया था, उसी के बाद इसमें एसटीएफ एक्टिव हुई और अब ये गिरफ्तार किया यहाँ पर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका निखिल। तनु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब 1 तारीख को सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद रिमांड के लिए देखते हैं कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल अनवर ढेबर को और साथी पी त्रिपाठी को जेल भेजा गया है। सूरजपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जहां वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, 13 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि खाली नहीं की थी। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान ये एक्शन लिया गया है। तो सूरजपुर का पूरा मामला है जहां पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर और ये देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे मकान जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे, 13 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और संवाददाता वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, अतिक्रमण पर एक बार फिर से प्रशासनिक बुलडोजर चला है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो वन भूमि है ये सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है और जहां बीते 1-2 साल से ही अचानक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और अतिक्रमण शुरू कर दिए और प्रशासन इससे पूर्व भी इनको नोटिस देकर अतिक्रमण खाली करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सफल नहीं हो रही थी। ऐसे में जो राजस्व पुलिस की मदद लेकर वन विभाग जो है वो एक बड़ी कार्रवाई करते नजर आई जहाँ 5 JCB लगाकर दर्जन भर से ज्यादा मकान को तोड़े गए और 45 से ज्यादा प्रकरण बनाए गए हैं जिसको लेकर अभी भी ये कार्रवाई जारी है और जो अभियान है अभी और भी जारी रहने वाला है। लेकिन जो चुनौती अब सामने आएगी कि जिस तरह से अतिक्रमणकारी को विरोध कभी बातें सामने आ रही थी ऐसे में अभी और जो बेदखली की कार्रवाई उसको लेकर आगे क्या कुछ करता है ये संयुक्त टीम ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वरुण। तो इस तरीके से देखिए कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 13 मकानों पर बुलडोजर चला, पुलिस प्रशासनिक अमला इस दौरान मौके पर मौजूद रहा। सूरजपुर से एक और बड़ी खबर है जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, डंडे से पीट पीट कर पत्नी की हत्या का मामला है। शराब पीकर घर पहुंचने पर पत्नी ने फटकार लगाई, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचवटी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप ये देखिए कि सूरजपुर में पति ने पत्नी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी, हालांकि जो आरोपी पति है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये आरोपी पति शराब पीकर घर आया था जिसका विरोध पत्नी ने किया और इस पर उसे फटकार भी लगाई गई और इससे नाराज पति ने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी जान ले ली। अब इस आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर का ये पूरा घटनाक्रम है, आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है।
खबर अंबिकापुर से आपको दे दें, जहां डीजल चोर गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है। नेशनल हाईवे 130 में खड़े ट्रक से डीजल की चोरी की जा रही थी, पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को पकड़ा। मध्य प्रदेश के कोटमा का ये गिरोह बताया जा रहा है। डीजल चोर गैंग ने पुलिस पर भी हमला किया, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर डीजल चोर गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है। नेशनल हाईवे 130 में खड़े ट्रक से डीजल की चोरी की जा रही थी, पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को भी पकड़ा। मध्य प्रदेश के कोतमा का ये गिरोह बताया जा रहा है। डीजल चोर गैंग ने पुलिस पर भी हमला किया है। तो ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां डीजल चोर गैंग ने पुलिस पर हमला किया और बेखौफ ये बदमाश जो कि पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और डीजल की चोरी लगातार की जा रही थी, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश के कोतमा का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये गिरोह बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस टीम पर गिरोह ने हमला किया। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, डीजल चोर गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है। नेशनल हाईवे 130 में खड़े ट्रक से डीजल की चोरी की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के कोतमा का ये गिरोह बताया गया है। तो डीजल चोर गैंग सदस्य गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के कोतमा का यह गिरोह बताया जा रहा है, जो कि लगातार छत्तीसगढ़ में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और खड़े ट्रक से खड़े वाहनों से डीजल या पेट्रोल की चोरी की जाती थी। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, बदमाश इतने बेखौफ हैं कि डीजल चोरी करते हैं और पुलिस टीम पर हमला भी इन्होंने किया। बिल्कुल बेखौफ है ये डीजल चोर गैंग, और लगातार जो है ये डीजल चोरी की शिकायत थानों में आ रही थी। और ये जो गैंग है वो नेशनल हाईवे मैं खड़ी ट्रकों के जो डीजल है उनको ये चुराते थे और फरार हो जाते थे। और इसी तरीके का जो घटना जो है बीती रात ये मणिपुर थाना के आगे ये कर रहे थे, और इसी दौरान जो है गश्त कर रही पुलिस की नजर पड़ी और पुलिस को देखते ही ये जो डीजल गैंग चोर है भागने लगे और पुलिस पर भी हमला किए। इससे एक साफ साबित होता है कि ये जो गैंग है वो कितने बेखौफ है, बेखौफ होकर जो है डीजल की चोरी की घटना को वारदात देते हैं। हालांकि पुलिस ने एक डीजल गैंग चोर को गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ कर रही है, और ये गैंग जो है कोतमा मध्य प्रदेश के कोतमा के लोग बताए जा रहे हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। अब आगे जो गिरफ्तारी हुई है उससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है और इस गैंग में और कितने लोग शामिल है इसका अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है। जी शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो गिरोह में कितने सदस्य हैं उनका पता लगाने की कोशिश, हालांकि गिरोह का एक जो बदमाश वो गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और अब बात करेंगे मुंगेली में धान खरीदी केंद्र में लाखों का गबन किया गया। धान खरीदी प्रभारी पर केस दर्ज किया गया, 20 लाख के धान के गबन का आरोप लगा है। आरोपी धान खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से, जहां पर धान खरीदी केंद्र में लाखों के गबन का आरोप लगा है। धान खरीदी प्रभारी पर केस दर्ज किया गया, 20 लाख के धान के गबन का आरोप है। आरोपी धान खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ी मात्रा में धान खरीदी केंद्र में लाखों के गबन का आरोप लगा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी निश्चित रूप से, मुंगेली जिले में एक के बाद एक धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी का मामला निकल कर सामने आ रहा है। इसके पहले भी 5 जो खरीदी प्रभारी है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। वही आज एक करुअरपुर धान खरीदी केंद्र है जिसके खरीदी प्रभारी है भूपेंद्र बंजारा, जिसके खिलाफ धारा 420 409 की धाराओं के तहत जिसमें अमानत में ख्यानत और शासकीय राशि के गबन के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अपराध दर्ज कर आरोपी जो खरीदी प्रभारी है जिसके खिलाफ जांच की जा रही है, और जिस तरह का मामला सामने आया 20 लाख रुपए से अधिक के धान खरीदी केंद्र से धान के गबन का आरोप इस खरीदी प्रभारी पर लगा है। और वही जो संबंधित विभाग है वो इस पूरे मामले की जाँच कराई है और जाँच कराने के बाद रिपोर्ट जो खासकरपुर थाना है वहां दर्ज कराया है। बिल्कुल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। तो बिलासपुर में कारोबारी से 18 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। सराफा कारोबारी से 18 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फ्लैट बेचने के नाम पर ठगी की गई है। गोंडपारा निवासी सराफा कारोबारी दीपक सोनी से ठगी हुई।
बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां कारोबारी से 18 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। सराफा कारोबारी से 18 लाख की ठगी हुई है। फ्लैट बेचने के नाम पर की गई ठगी। गोड़पारा निवासी सराफा कारोबारी दीपक सोनी से ठगी की। वहीं बिलासपुर में रसोई गैस के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों ने ठेकेदार पर मनमाने ढंग से खुदाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही कई गड्ढों को खुला छोड़ देने से हादसों का खतरा बना हुआ है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाता है, इनकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। नाराज लोगों ने बारिश में पाइपलाइन बिछाने के काम का विरोध किया। मांग पूरी नहीं होने पर लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो देखिए किस तरीके से जो खुले गड्ढे हैं वो छोड़ दिए जाते हैं और कई बार ये हर किसी की जान की मुसीबत बन जाते हैं। खुले गड्ढों से हादसे होने का डर बना हुआ है बिलासपुर में, जहां लोगों ने काम रोकने की मांग की है और ये जो गड्ढे हैं इन्हें भरने की भी मांग की जा रही है। यहाँ पे अपन ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा परेशान कर दिए हैं लोगों का व्यवसाय। गुरु नानक चौक से ले देकर गुरु नानक चौक से जे जे हॉस्पिटल, आज आनंद चंदन हॉस्पिटल के जो डिवाइडर के नाम, लोगों को आने जाने में घना मोहल्ला है, बहुत बड़ी बस्ती है। आज 1.5 महीने से ये पाइप ऐसी पड़ा हुआ है, लोगों का आना जाना, एक्सीडेंट तो इतने हुए हैं, उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, जिसको पार्टी ने अभी बरसात कल गिरी है, उसमें एक स्कूटर वाली फैमिली गिरी है, उसके बाद भी हम उनको बोल रहे हैं तो बस 2 दिन में हटा देंगे, 1 दिन में हटा देंगे। और 1.5 महीने से न कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं और नगर निगम आयुक्त में हम निवेदन कर रहे हैं कि इसको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो इसको आंदोलन करके इस पाइप को हमारी से खुद अपने पैसे से हम कटवा के फेंकवा देंगे। देखो यहाँ पे ना इस गली तरफ भी रोड है, जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं सब रॉन्ग साइड थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि आगे टर्निंग इनको 200 मीटर के बाद मिल रही है, प्लस गड्ढे करा करा दिए गए हैं, जिसको पता नहीं क्या है इससे एक्सीडेंट, और अभी बारिश हो रही है इसमें पानी वानी भी भर जाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे और एक्सीडेंट की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, गैस पाइपलाइन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, लोगों का कहना है कि जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं, कई एक्सीडेंट पहले ही हो चुके हैं, उसके बावजूद इन्हें भरा नहीं गया। देखिए केंद्र सरकार की योजना के तहत रसोई गैस की जो पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है, और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये पाइपलाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो जिन्हें इस खुदाई कर पाइपलाइनों को बिछाने का ठेका दिया गया है वो बेतरतीब तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जिन गड्ढों में ये पाइपलाइन को बिछाया गया है उन गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है, और मानसून है ऐसे में जो बारिश का पानी है वो उन गड्ढों में भर जा रहा है। ऐसे में जब लोग वहां से गुजरते हैं या रास्ते से निकलते हैं तो ना तो वो गड्ढा समझ में आता है क्योंकि पानी भरा रहता है, ऐसे में वो लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार 1.5 महीने से स्थानीय जो लोग हैं बिलासपुर शहर के वो लगातार निगम कमिश्नर को शिकायत की, कलेक्टर को शिकायत की, उसके बावजूद भी किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये जान का खतरा जो है ये गड्ढा इन दिनों बना हुआ है। फिलहाल जो स्थानीय लोगों ने ये निवेदन किया है प्रशासन से कि इसे तत्काल हटाएं, नहीं तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये देखा जा रहा है अमूमन पूरे शहर की स्थिति इसी तरीके से है, गैस को बेतरतीब तरीके से छोड़ दिया गया है, सड़क में छोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन में पूरी तरीके से बाधित है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके की जो स्थितियां निर्मित हुई है उसको लेकर प्रशासन क्या एक्शन लेता है, और जो बेतरतीब तरीके से ठेकेदार जो काम कर रहे हैं क्या उस पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी समस्या बनी हुई है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। राजनांदगांव में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर पीड़ित को लगा दी थी आग। 12 जून को हुई थी हत्या, सोते हुए शख्स पर पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर पीड़ित को आग लगा दी थी। 12 जून को इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था, सोते हुए शख्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ में आज थी टेट और पीपीटी की परीक्षा, जहां दो पालियों में होगी थी और परीक्षा। सुबह की पाली में पीपीटी की परीक्षा छत्तीसगढ़ होनी है और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ले रही है परीक्षा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज टेट और पीपीटी की परीक्षा हो रही है, दो पालियों में परीक्षाएं होनी है और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से नकल सामग्री या किसी भी तरीके से परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम, जहां पर टेट और पीपीटी की एग्जाम्स हो रहे हैं, दो पालियों में ये परीक्षाएं हो रही हैं। सुबह की पाली में पीपीटी की परीक्षा और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ये एग्जाम ले रही है। राजनांदगांव में आरा मिल को सील किया गया। डोंगरगढ़ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी जब्त की गई है। एसडीओ और रेंजर ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां पर आरा मिल को सील किया गया। डोंगरगढ़ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी जब्त की गई। एसडीओ और रेंजर ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये तस्वीरें आप देखिए, जब इमारती लकड़ी बड़ी मात्रा में जब्त कर ली गई है और अवैध तरीके से ये लकड़ियां काटी गई थी, जिन्हें पुलिस ने विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। न्यू टीजी ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम आज है, जहां छत्तीसगढ़ में कुल 602 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, फिर से परीक्षा देंगे। बालोद और दंतेवाड़ा जिले में परीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक होगा एग्जाम। पहले बालोद में नेट एग्जाम के दौरान 2-2 प्रश्न पत्र बांटे गए थे, तो वहीं दंतेवाड़ा में अभ्यर्थियों को हिंदी की जगह इंग्लिश पेपर बांट दिए गए थे। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।